बेटियां पढ़ेंगी तो वो एक बेहतर भविष्य की नींव रख पाएंगी। लेकिन जैसलमेर के बांकलसर में उच्च प्राथमिक स्कूल ना होने की वजह से बेटियों को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। सब पढ़ें सब पढ़ें, ये सपना तो सभी की आंखों में होता है, लेकिन इस सपने को धरातल की जमीन पर उतारने की कोशिशें कमजोर नजर आती हैं। जैसलमेर में मोहनगढ़ में बांकलसर ग्राम पंचायत 6.5 साल पहले बनी थी। राज्य सरकार की ओर से हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन बांकलसर के स्कूल को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में अभी तक प्रमोट नहीं किया गया। आगे की पढ़ाई न होने की वजह से बच्चे पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं, उसमें भी खास तौर पर लड़कियां। ये स्कूल बीते 5 सालों से चल रहा है और करीब 300 स्टूडेंट्स यहां पढ़ाई कर रहे हैं। इस बारे में विधायक से लेकर राज्य सरकार को भी जानकारी दी जा चुकी है। 2014 में ग्राम पंचायत बनी अलग से बांकलसर, जो अभी मोहनगढ़ पंचायत समिति में है। इस गाँव में अभी तक स्कूल, हमारे गाँव में बांकलसर में अभी तक स्कूल है वो 12वीं तक नहीं बनी, जबकि हर जगह पंचायत मुख्यालय पे सरकारों का वादा था कि स्कूल 12वीं तक किया जाएगा, जब तक नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पर इससे देख लेकर काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। वैसे लोग डाणियों में बैठे हैं, छितराई हुई काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, लेकिन लोगों को पढ़ाई के नाम पे अभी अपने बच्चों को या तो स्कूल छुड़वानी पड़ रही है और या फिर बाहर भेजना पड़ता है। प्रतिनिधियों को कई बार शिक्षा अधिकारी को लिखित अवगत कराने के बावजूद भी अभी तक हमारे विद्यालय कर्मरत नहीं हुआ है। इसमें वर्तमान में 300 छात्र अध्ययनरत हैं, उसके बावजूद ये कर्मरत नहीं कर रहे और 10वीं पास करने के बाद विद्यार्थियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी, इससे भविष्य खराब हो रहा है। सरकार से मुझे हाथ जोड़ते निवेदन अपील है कि उस विद्यालय को जल्दी से जल्दी कर्मरत किया जाए और विद्यार्थियों का भविष्य खराब न हो। 2020 की बात करें तो बांकलसर विद्यालय में कक्षा 10वीं में 9 बालिका अध्यर्थी और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करके एक बालिका थी जिसने मोहनगढ़ में जाके 11वीं प्रवेश लिया। बाकी वाली 8 बालिकाओं ने सभी ने स्कूल छोड़ दी, क्योंकि ये विद्यालय 10वीं तक ही था और आगे 12वीं तक बनाने के लिए कई बार ग्रामीणों ने आगे लेटर भी भेजे, प्रशासन को भी कहा कि इस विद्यालय को 12वीं में क्रमोन्नत करें। छात्राएं यहां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रही, 10वीं के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है। पिछले सत्र की बात करें तो 10वीं पास करने के बाद 9 में से 8 छात्राओं ने आगे की पढ़ाई छोड़ दी। उच्च माध्यमिक स्कूल नजदीक न होने की वजह से बच्चियों को घर बिठाने के लिए उनके माँ बाप भी मजबूर हैं। मदन लाल सुथार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जैसलमेर।